हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट आपका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्पेशली एफओआई की अगर मैं बात करता हूं, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट कन्फ्यूजन था, वो मैं क्लियर कर दूँ। पहले ये हमारे क्लियर आप देख सकते हो, एफओआई बैफ मनन प्रकाशन में फॉलो कर रहा हूँ। एंड बीबीआई वाले क्लास की अगर बात करूं, विपुल का बीबीआई सीरीज आप लोग का दिख रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स का। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर आप बीबीआई, स्पेशली बीबीआई वाले बच्चों का जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज में शेयर किया था कि सर आप मनन प्रकाशन से आप कंप्लीट हमारे बैफ का सिलेबस फॉलो कर रहे हो। वैसे तो यूनिट क्वेश्चन लेबल आपका सबका सेम ही है, बट बच्चों को ऐसा डाउट कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए मैं एक क्वेश्चन क्या करता हूँ, जैसे दो क्वेश्चन एक वीडियो में रखता हूँ, तो एक क्वेश्चन आप लोग का बैफ फॉलो का ले लेता हूँ, सिमिलर उसी का क्या करता हूँ सर बीबीआई क्लास का ले लेता हूँ। सॉरी, चलिए चलिए दो क्वेश्चन सिमिलर से लिए हैं, टॉपिक स्टार्ट करता हूं हमारा। हैशटैग नंबर थर्ड, एफओआई बैफ बीबीआई सेम टू बिजनेस मैथमेटिक्स का रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज दोनों क्लास का सेपरेट प्लेलिस्ट है। हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है, स्पेशली बैफ की अगर मैं बात करूं, आप लोगों का कंप्लीट मैथ्स प्रोवाइड कराया गया है, बट हमारे बीबीआई को दो यूनिट करा के दिया गया है, एक तो मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, सेकेंड आपका सर रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। दो टॉपिक कंप्लीट कॉन्सेप्ट की हमने बातें की है यहाँ पे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर, बहुत सिंपल सा लेबल है, फाइंड थ्री नंबर्स रेशियोज 1, 2, 3। तीन नंबर का मतलब थ्री नंबर्स का सर रेशियो दिया है। जब भी रेशियो देते हैं, बहुत बेसिक लेवल से टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं आपका, पहले तो लिख लो थ्री, ये आपका यहां से आंसर है, स्टार्ट करोगे थ्री नंबर्स का रेशियो क्या दिया है सर, तो मैंने लिख दिया सर 1, 2, 3। क्लियर है, सुनो समझो। जिन बच्चों ने हैशटैग 2 देखा, तो वहां पे मैंने बोला था जब भी रेशियो आएगा, 1 आएगा, 1 का तो आएगा नहीं सर, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो आप लाइन लिख दिया करो सर लेट, और लेट करने के बाद लाइन उतार दो आप, लेट दी लेट थ्री नंबर्स इन द रेशियोज बी, इन द रेशियोज बी 1x रेशियो 2x रेशियो 3x। मतलब सर कोई भी एक वेरिएबल आप ऐड कर दो, तो स्पेशली एक्स मैथ्स वाले फॉलो करते हैं, तो एक्स लिखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। उसके बाद ना मेरे बच्चे, ये गिवन कंडीशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आगे की कहानी हमारी कि कंडीशन क्या बोला है सर। लाइन पढ़ते बहुत अच्छे से, सच दैट द सम, सम मतलब होता है ना भाई प्लस होता है, सम मतलब क्या होता है प्लस होता है, ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब बोला है भाई जो ये रेशियोज है इसका सम कर दो सर, मतलब करना है बोले सिंपल सा बोले सर प्लस कर दो, हमने बोला प्लस कर देते हैं सर, तो ये है 1x प्लस 2x प्लस 3x। किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सर, बिल्कुल नहीं, सम तो हो गया, बट सर बोला है इसका स्क्वायर भी करना है, क्या करना है स्क्वायर भी करना है, तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं सर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। किसी बच्चे को देखो एकदम बेसिक सा लेबल है दोनों कॉन्सेप्ट, एक तो बोला है सर सम कर दो, हमने सम कर दिया, स्क्वायर कर दो, हमने स्क्वायर कर दिया, ये जो सम एंड स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा सर 686 है, ऐसा क्वेश्चन का बोलना है, तो हमने बोला दिखाइए भाई 686 इक्वल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बोला 1x का स्क्वायर करोगे ना भाई x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2x स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर सर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, 3 का सर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर सर स्क्वायर ही होगा, ये आपका 686 हो गया। हमने बोला प्लस करिए आप, यहां कुछ नहीं तो 1 होता है सर, 4 प्लस 1 हमारा हो गया सर 5, 5 प्लस 9 कितना होता है सर 9514, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 686, कल से उठा लीजिए आप लोग 14, एक्स के साथ देखो ना प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो बचता है हमारा एलएचएस साइड में, मतलब बोले तो बराबर के इस साइड में, मतलब बोले तो इक्वल टू के इस साइड में ना भाई,
जब लास्ट में आपका कोई भी नंबर्स और वेरिएबल साथ में दिखते हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में सर क्रॉस का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। उनको वहां भेजिए और उनको जब भेजोगे मल्टीप्लाई इस साइड में आके सर होता है डिवाइड, कैलसी उठाइए और बताइए 686 डिवाइड बाय 14 कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर आ रहा है 49, कितना आ रहा है 49, स्क्वायर रूट ले लो तो सर हो गया 7। स्क्वायर रूट आपके कैलसी में भी ऑलरेडी दिया होता है तो इसे ध्यान रखना हर एक बच्चा, स्क्वायर रूट किया सर 7, एक्स की वैल्यू अगर 7 मिल गई सर तो फर्स्ट नंबर 1x, सेकंड नंबर 2x, थर्ड नंबर 3x इजिली फाइंड आउट हो सकता है, इजिली फाइंड आउट हो सकता है। यहीं पे मैंने लिख दिया सर फर्स्ट नंबर, क्या लिखा फर्स्ट नंबर कितना है सर 1x, थोड़ा सा गैप रख के लिखा सर सेकंड नंबर, आपसे पूछा कितना है सर 2x, लास्ट में पूछा थर्ड नंबर कितना है सर 3x, तो x की वैल्यू हमको मिली है सर, वैल्यू पुट अप करते हैं यहां पे 1x, 1 into x की वैल्यू कितना है सर 7, 7 बन जाए हमारा हो गया सर 7। सेकंड नंबर सर 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू सर 7, 7 टू जा हो गया सर 14। थर्ड आपका 3 into x कितना 7, 7 3 जा 21। किसी बच्चे को मैं आपसे पूछूं डाउट कंफ्यूजन यहां तक है सर, बिल्कुल नहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है, आंसर को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं सही है कि नहीं, तो ये जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला है ना भाई, इसका स्क्वायर का प्लस करके देखना 686 आना चाहिए, आप लोग कर लेना जैसे 7 का स्क्वायर, ये आपको करना नहीं है, जस्ट एक वेरिफिकेशन आपको बता रहा हूं। अगर मैं करूंगा 7 का स्क्वायर मतलब ये सर 49 आएगा, एंड सेकंड का सर 14 का स्क्वायर 256 होता है, थर्ड आपका 21 का स्क्वायर सर 441 होता है, तो ऐड करना 9 1 10 16 686 ही आएगा, इसका मतलब आंसर राइट है, क्लियर है। जो कंडीशंस वाले टॉपिक्स होते हैं आप इजीली आंसर पता कर सकते हो सर राइट है या फिर रॉन्ग है हमारा। किसी बच्चे को मैं पूछूं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम सर, 10% बच्चे बोलते हैं सर बिल्कुल थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने बोला चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही लाए, नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा ये वाला क्वेश्चन। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट ये वाले क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो पाया, मतलब पहले क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो पाया, कोई टेंशन नहीं है भाई, सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो 3, 5, 2 का कर दिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बोला था जो क्वेश्चन लिखा है ना पहले लिख लिया करो, तो मैंने बोला लिखो बिल्कुल यही, तो सर 3 पॉजिटिव नंबर इन द रेशियो, रेशियो क्या दिया है सर 3, 5, 2, क्लियर है सर बिल्कुल। उसके बाद आपने बोला था ना भाई जब कभी भी रेशियो में देते ना तो आपने बोला लेट कर लो, हमने बोला बिल्कुल यही बोला, लाइन कॉपी कर लेना है बी लगा दिया करो आप, एंड आपने बोला था एक्स ऐड कर लो सर, तो मैंने बोला एक्स ऐड करो, वैसे भी मैथ्स वाले को एक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव है इंटरेस्ट है तो एक्स ऐड करो। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब ए बी सी डी ई एफ जितना आता है उसमें से कोई भी एक कर दो, बट मुझे ठीक लगता है कंफर्टेबल हूं भाई एक्स के साथ तो एक्स रखो, एंड गिवन कंडीशन ऐड करो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है सर, गिवन कंडीशंस, कंडीशन क्या है सर सच दैट फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियोज, रेशियोज दिया था सर सच दैट द सम, सर सम फिर से बोल दिया है, सम मतलब होता है, आपने बोला था प्लस कर दो, बिल्कुल मैं यही बोलता हूं यही होता है, तो मैंने बोला 3x लिख दो, 5x लिख दो, 2x लिख दो और बीच में लगाइए प्लस, क्योंकि कंडीशन ने बोला है सम है मतलब प्लस है सर, सम हो गया, सम का काम हो गया देयर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सर अब फिर से बोला जा रहा है ना भाई इसको स्क्वायर भी करो, इसका स्क्वायर भी करो, तो स्क्वायर सर हमने कर दिया और जो इसका स्क्वायर है सर 2432 आएगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तो हमने बोला सर बोल रहा है तो लिखिए आप 3x का स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर का सर x स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4x स्क्वायर इक्वल टू 2432, मैंने बोला प्लस करिए 25 प्लस 9 कर दो 34, 34 प्लस 4 किया तो सर 38x स्क्वायर 2432
कैल्सियम उठाइए, x स्क्वायर 38 x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई ट्रांसफर करिए, तो डिवाइड 2432 डिवाइड बाय सर 38, कैल्सियम उठाइए और डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आया है। अगर आपसे पूछा जाए सर 64 आया, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है ना भाई, स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर रूट कैल्सियम में बाजू में नीचे दिख रहा होगा सर, तो x हमारा 64 वैसे भी याद होगा, ये मैंने किस क्यूब लिख दिया 8 का है, x अगर 8 आया तो मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइंड आउट कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बोला कर लीजिए। फर्स्ट नंबर आपका कितना है, फर्स्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट नंबर सर पहला 3x, मैं आपसे पूछूं सेकंड नंबर कितना है सर, सेकंड नंबर 5x, थर्ड नंबर कितना है आपसे पूछा जाए तो थर्ड नंबर सर 2x, 3x 5x 2x लिख दिया, x की जो वैल्यू मिली पुट अप कर देते हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू x कितना है सर 8, 3 8 जा हो गया सर 24। नेक्स्ट हमारा सर 5x की वैल्यू कितना है 8, 8 5 जा सर हमारा 40। नेक्स्ट सर हमारा 2x मींस 8, 8 2 जा हमारा हो गया सर 16। तीनों आ गया सर, वेरीफाई कर ले क्या, बिल्कुल कैलसी है तो वेरीफाई में कितना टाइम जाता है, पहला नंबर सर 24, 24 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 576 आएगा, एंड नेक्स्ट हमारा 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका 1600, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00, 16 का स्क्वायर 256 होता है, आई थिंक ऐड कर लेना यही मिलेगा आपको, और इस तरीके से कंडीशंस वाले केस में आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो सर, राइट चल रहे या फिर रॉन्ग चल रहे। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट करने में काफी मजा आया होगा और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है ना तो ऐड करिए भाई, ये टॉपिक ऐसे लेके आया हूं बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए हर एक बच्चे को मेरे, स्पेशली हमारे दो क्लास जो बैफ वाले बच्चे हैं एंड बीबीआई वाले, 1% मतलब एक बच्चे को भी डाउट है ऐड कर दो सर, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, थोड़ा सा और मजेदार कॉन्सेप्ट को बनाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको और मजेदार लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे बैफ क्लास वाले बच्चों का तो कंप्लीट बेनिफिट्स मिलने वाला है, बट बीबीआई का दो यूनिट्स, क्योंकि दो यूनिट्स पे अच्छी कमांड है तो वैसे टॉपिक्स आप पिक करो जिस पे अच्छी कमांड है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जो कि आपको रत्नाकर सर पढ़ा रहे, एंड जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज टॉपिक है मैं करवा रहा हूं, तो हर एक बच्चे सेटिस्फाई होना चाहिए एटलीस्ट जितने भी यूनिट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो छोटी सी डिमांड है फुलफिल कर दिया करो, हमारे जो भी बैफ बीबीआई के बच्चे हैं ना उनको भी चैनल का लिंक शेयर करिए ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली जो भी सेमेस्टर हमारी होने वाली है या फिर जो भी बच्चे बीबीआई बैच में आने वाले हैं उनको इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलना चाहिए स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।